मध्य प्रदेश की ताजा खबरों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुरू करते हैं फटाफट अंदाज में आज मध्य प्रदेश सुबह की 10 बड़ी खबरें। क्या पढ़ाई में आपको आते हैं डाउट, तो 5 सेकंड में डाउनलोड के साथ करो ने आउट। बस अपने सवाल की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी का हो, सीबीएसई, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, यहाँ तक अच्छे अच्छे से 12वीं आईटी जी नेट का सवाल हो, सभी सवालों के वीडियो सॉल्यूशन 5 सेकंड में आपको मिलेंगे डाउनलोड ऐप पर। इसके साथ ही डाउनलोड पर चल रही है इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लास, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहां पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। आज जाकर इन कोर्स का हिस्सा बनिए, डाउनलोड ऐप इंस्टॉल कीजिए। बाढ़ को लेकर मंगलवार को केंद्रीय दल के साथ सीएम शिवराज की अहम बैठक। जी दोस्तों, भोपाल में मंगलवार को केंद्रीय दल के साथ बाढ़ से हुए नुकसान को लेकर शाम 7 बजे अहम बैठक होगी। पहले ये बैठक ग्वालियर में होनी थी, लेकिन सीएम शिवराज सिंह चौहान के खराब स्वास्थ्य के कारण मंगलवार को उनके सारे दौरे रद्द होने के बाद ये बैठक भोपाल में होगी। बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान की तबीयत अचानक बिगड़ गई है, इसके चलते उन्होंने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पिछले 2 दिन से सीएम शिवराज को गले में खराब और बोलने में परेशानी हो रही है। गले में तकलीफ ज़्यादा होने के चलते डॉक्टरों ने उन्हें वोकल रेस्ट के साथ आराम करने की सलाह दी है। इसी के साथ मुख्यमंत्री का मंगलवार को अशोकनगर, गुना और शिवपुरी, ग्वालियर का दौरा भी रद्द कर दिया गया है। बाढ़ से हुए नुकसान को देखने आने वाले केंद्रीय दल के साथ बैठक भोपाल में मंगलवार शाम 7 बजे होगी। पहले ये बैठक मंगलवार शाम 7 बजे ग्वालियर में प्रस्तावित थी। बहत्तर घंटे बाद बदलेगा मौसम, मध्य प्रदेश के इन जिलों में आज बौछारों के असर। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश का मौसम एक बार फिर बदलने वाला है। अगले 72 घंटे में फिर बारिश के असर बन रहे हैं। सोमवार को प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र के शहडोल, जबलपुर संभागों के जिलों में बारिश शुरू होने का असर है। वही 18 अगस्त के बाद भोपाल, जबलपुर, होशंगाबाद, इंदौर संभागों के जिलों में झमाझम की संभावना है। एमपी मौसम विभाग ने मंगलवार को सभी संभागों में कई कई बौछारें और 5 संभागों में बिजली गिरने की संभावना जताई है। जी दोस्तों, मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को सभी उज्जैन, भोपाल, शहडोल, जबलपुर, इंदौर, होशंगाबाद, ग्वालियर, चंबल, सागर और रीवा संभागों में कई बारिश की संभावना है। वहीं इंदौर, होशंगाबाद, रीवा, जबलपुर और शहडोल संभाग में गरज के साथ बिजली चमकने और गिरने की संभावना है। वहीं 3 दिन बाद भोपाल, होशंगाबाद, इंदौर संभागों के जिलों में बारिश का दौर शुरू हो सकता है। प्रदेश भर में 1 जून से 13 अगस्त तक सामान्य से 6% ज़्यादा बारिश हुई है। वहीं 26 जिले ऐसे हैं जहाँ अभी भी सामान्य से कम बारिश हुई है। राजधानी भोपाल में बनेगा भारत माता का मंदिर, सीएम शिवराज ने की घोषणा। जी हां दोस्तों, भोपाल में भारत माता का मंदिर वीर भूमि के रूप में मनाया जाएगा, ये घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की है। इस मंदिर में इसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के जीवन वृत्त प्रदर्शित होंगे और प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इससे आने वाली पीढ़ी को आज़ादी की लड़ाई में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वालों के बलिदान से अवगत कराने में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि इसी भाव से भोपाल में शौर्य स्मारक का निर्माण किया गया है। देशभक्ति की ज्योति को लगातार जलाए रखने की आवश्यकता है। स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के इस वर्ष में स्वतंत्रता संग्राम में केंद्रित कार्यक्रम के आयोजन के साथ साथ स्वतंत्रता सेनानियों पर पुस्तकों का प्रकाशन भी किया जाएगा। सुप्रसिद्ध कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने यह बात कही है। आधार ने नियमों में किया बदलाव, एड्रेस अपडेट करना हुआ मुश्किल है। जी हां दोस्तों, आधार कार्ड आज भारत में सबसे जरूरी दस्तावेज है। आधार कार्ड व्यक्ति की पहचान को वेरीफाई करने वाला प्रूफ है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण इसमें समय समय पर अपडेट करते रहता है। इस बार एड्रेस अपडेट करने का नियम बदलाव किया गया है, इसे थोड़ा कठिन किया गया है। यदि आप अपने आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट करना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, UIDAI ने आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट करने के नियम बदलाव किया है। नए नियम के मुताबिक अब आप बिना एड्रेस प्रूफ के आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट नहीं करा सकते हैं। UIDAI पहले एड्रेस प्रूफ के अभाव में एड्रेस अपडेट कर रही थी, लेकिन एक ट्वीट के माध्यम से UIDAI ने बताया कि अब उसमें इस सर्विस को बंद या फिर डीएक्टिवेट कर दिया है। जी दोस्तों, UIDAI ने एक यूजर के जवाब लिखा कि अब एड्रेस अपडेट करने के लिए नए नियम को फॉलो करना होगा और नए नियम के मुताबिक एड्रेस अपडेट करने से पहले आपको डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट चेक करनी होगी, फिर UIDAI द्वारा अधिकृत 32 दस्तावेजों में से एक उपलब्ध कराना होगा। मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए खुशखबरी, सीएम ने किया बड़ा ऐलान, अधिकारियों को दिए निर्देश। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शहरों के साथ ही ग्रामीण और कस्बई इलाकों में भविष्य की खेल प्रतिभा को तलाश कर तराशने के लिए प्रदेश में टैलेंट सर्च 2021 अभियान की घोषणा की है। ये अभियान 24 अगस्त पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा। इसके लिए ऑनलाइन पंजीयन की अंतिम तिथि 31 अगस्त निर्धारित की गई है।
जी दोस्तों, एमपी में इस अभियान में खेल एवं युवा कल्याण, स्कूल शिक्षा एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के समन्वय से कार्य किया जाएगा। इसके तहत लगभग 2500 बालक बालिकाओं को चयन कर प्रदेश में संचालित अत्याधुनिक संस्थानों से लेस विभिन्न खेल अकादमियों तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतिशोध देखरेख में प्रतिशिक्षण दिया जाएगा। प्रतिभा चयन कार्यक्रम के तहत पंजीयन का कार्य 9 अगस्त को प्रारंभ हुआ जो 21 अगस्त तक चलेगा। पंजीयन ऑनलाइन किया जा रहा है, लेकिन विशेष मामलों में ऑफलाइन भी किया जा सकेगा। जी दोस्तों, माना जा रहा है कि एमपी में कोरोना की तीसरी लहर संबंधित कोई समस्या नहीं आई तो पूरी प्रक्रिया 25 सितंबर तक पूरी कर ली जाएगी। अभियान में अभी तक 17,000 पंजीयन हो चुके और ये संख्या 50,000 तक पहुंच जाएगी। पंजीयन के बाद 24 अगस्त से चयन प्रक्रिया जिला, संभाग और फिर राज्य स्तर पर शुरू होगी। चयन की प्रक्रिया निर्धारित मापदंडों के अनुरूप और कोविड संबंधित दिशा निर्देशों का पालन करते हुए की जा रही है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने फिर लिखा पत्र, अब रेल मंत्री से की ये मांग। जी हां दोस्तों, बीजेपी से राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री बनने के बाद से ही मध्य प्रदेश को एक के बाद एक बड़ी सौगात दे रहे हैं और केंद्र से मध्य प्रदेश के लिए हर संभव मदद की मांग कर रहे। इसी बीच एक बार फिर केंद्रीय नागरिक उड़ान मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखा और वंदे मातरम ट्रेन को ग्वालियर रूट पर चलाने की मांग की है। पीएम किसान की राशि हो सकती है दोगुनी, खाते में आएंगे 4,000 रुपए, मोदी सरकार दे सकती है 12,13,00,000 से अधिक किसानों को बड़ी सौगात। जी हां दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत रजिस्टर्ड देश के 12,13,00,000 से अधिक किसानों के लिए खुशखबरी है। मोदी सरकार बहुत जल्द उन्हें बड़ी सौगात देने जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि दोगुनी करने विचार कर रही है। अगर ऐसा हुआ तो किसानों को सालाना 6,000 की जगह 12,000 रुपए 3 समान किस्तों में मिलेंगे। जी दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने हाल में ही दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। इस मंत्री के अनुसार पीएम किसान सम्मान निधि की रकम दोगुनी होने वाली है, सरकार ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। हालांकि केंद्र सरकार ने मंत्री के इस दावे की पुष्टि नहीं की है। वहीं आम किसानों को भी ये उम्मीद है कि 2024 से पहले सरकार पीएम किसान की राशि में इजाफा कर सकती है। 1 सितंबर से शुरू होगा महाविद्यालयों का नवीन सत्र, उच्च शिक्षा मंत्री ने बैठक में दिए हैं निर्देश। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के महाविद्यालयों में 1 सितंबर से नवीन शिक्षा सत्र आरंभ होने जा रहा है। इसे लेकर उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय में निर्माण एजेंसियों और विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ली। उन्होंने कहा कि नए शैक्षणिक सत्र से विद्यार्थियों को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शामिल किए गए पाठ्यक्रमों का अध्ययन कराया जाएगा। जी दोस्तों, बैठक मंत्री मोहन यादव ने कहा कि स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में कुल स्वीकृत सीट संख्या के अनुसार अधिक से अधिक विद्यार्थियों प्रवेश दिया जाए। उन्होंने कहा कि 1 सितंबर से आरंभ हो रहे अकादमिक सत्र में नई शिक्षा नीति को बेहतर ढंग से लागू किया जाए। सोने में तेजी नहीं बदली, चांदी कीमत जाने क्या है आज का ताज़ा भाव। जी हां दोस्तों, सोने चांदी कीमतों में बदलाव के आधार पर भारत में लोग खरीदारी का मूड बनाते हैं। जब सोना चांदी सस्ते होते हैं तो निवेशक और खरीदार मार्केट में पहुंचते हैं, लेकिन यदि शादी के लिए अन्य कोई मांगलिक काम के लिए सोने चांदी खरीदी की जाती है तो फिर बहुत कम लोग रेट देखते। जी दोस्तों, सोमवार सुबह 22 कैरेट सोने का रेट 10 रुपये प्रति 10 ग्राम की तेजी के साथ 46,170 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेंड कर रहा है, जबकि चांदी शनिवार के भाव 63,200 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेंड कर रही है। रक्षाबंधन से पहले रेलवे का तोहफा, भोपाल से चलेगी ये स्पेशल ट्रेनें। जी हां दोस्तों, रक्षाबंधन से पहले रेलवे ने मध्य प्रदेश की बहनों को बड़ा तोहफा दिया है। त्वारी भीड़ को देखते हुए भोपाल रेल मंडल ने स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया। इसके तहत हवीजगंज और रीवा के बीच 20 और 21 को स्पेशल ट्रेन चलेगी। इसके साथ ही रीवा से हवीजगंज के बीच 22 और 23 अगस्त को चलेगी। दोनों ही स्पेशल गाड़ी में फर्स्ट एसी, 2 सेकेंड एसी, 3 10 स्लीपर और 6 जनरल, 2 एसएलआर होंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।